हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आप सभी के लिए इंजीनियरिंग फिजिक्स का एक और लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज लेजर के एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक ही हमारा रह गया था, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देन उसके बाद न्यूमेरिकल्स ऑन लेजर हम यहाँ पर बात करेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे लेजर पर बनने वाले। ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं लेजर पर, छोटे छोटे न्यूमेरिकल एक दो टाइप के बनते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और लेजर की एप्लीकेशन की हम बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लेजर्स की एप्लीकेशंस क्या है हमारी देख लेते हैं। तो लेजर की एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो हम सीधा सा अगर एग्जाम में आपकी पूछी जा रही है एप्लीकेशन, तो वेल्डिंग पर्पस के लिए हम लेजर को यूज़ करते हैं, कटिंग पर्पस के लिए यानी कि कुछ मेटल का पीस या कुछ हमें कट करना है तो वो हम लेजर यूज़ कर लेते हैं वहाँ पर। हीट ट्रीटमेंट जो होते हैं हमारे उनमें हम लेजर का यूज़ कर लेते हैं, ड्रिलिंग पर्पस में यानी कि कहीं होल करना है तो उसमें हम लेजर यूज़ कर लेते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम में भी हम लेज़र यूज़ कर लेते हैं, और मेडिकल में देखें तो सर्जरी में भी काफ़ी लेज़र यूज़ होता है। जैसे मैंने पीछे आपको पिछले लेक्चर में रूबी लेज़र और हीलियम गैस और हीलियम नियॉन गैस लेज़र जो है उसके बारे में बताया था। रूबी लेज़र जैसे कि स्किन पर मतलब लेज़र जैसे बोलते हैं लेज़र यानी कि मोल वगैरह हटाने के लिए, जो हमारे टैटू वगैरह उनको रिमूव करने के लिए लेज़र का यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लेज़र के एक्चुअल में एप्लीकेशंस हो गए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का जो मेन टॉपिक है एक्चुअल में क्या है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, दो तीन टाइप के हम यहाँ पर न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और यहाँ पर आपको देख के पता चल जाएगा कि किस टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल हम यहाँ पर देखते हैं। डियर स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें, और शेयर जरूर करेंगे दोस्तों को, और वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, ठीक है। और चैनल एक बार विजिट कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं आप हमारे, बीटेक फर्स्ट ईयर के काफ़ी सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, आई थिंक आपको अच्छे भी लगेंगे, समझ में भी आएंगे, और आपके अगर आप पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट तो ज़रूर देखिएगा एक बार जाके, ठीक है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन, क्या इन रूबी लेज़र टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम आयंस इज कितने क्रोमियम आयंस यहाँ पर टोटल 2.8 × 10⁻¹। इफ लेजर एमिट्स रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है 7000 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर, ठीक है ये एंगस्ट्रॉम है। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द लेजर पल्स, यानी कि सिंपल सा मैंने जो तरीका आपको बता रखा है फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का, बहुत सारे स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल डेरिवेशन वाला पोर्शन है कभी कभी 50% तक एग्जाम में देखने को मिल जाता है, तो न्यूमेरिकल भी थोड़े से आने जरूरी है। तो करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले जो न्यूमेरिकल है उसमें जो जो चीज़ें गिवन है उनको नोट कर लो, फिर उसमें देखो क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, उसके बाद अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो कि उसमें किस टॉपिक का ये क्वेश्चन है और वहाँ पर कौन कौन से हमने फॉर्मूले पढ़े थे, इनमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो क्रोमियम आयन की यहाँ पर बात करी गई है, तो क्रोमियम आयन के लिए अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ क्रोमियम आयन क्या क्या गिवन है, तो पहले लिख लेंगे गिवन क्या है नंबर ऑफ क्रोमियम आयन, क्रोमियम आयन की अगर मैं बात करूं क्रोमियम को मैंने सीआर ही लिख लिया है यहाँ पर, कितने हैं 2.8 × 10⁹ यहाँ पर, ये क्या है हमारे क्रोमियम आयन। और मैं अगर वेवलेंथ की बात करूँ तो वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो कितने 7000 एंगस्ट्रॉम है, और इसको मुझे कायम में कन्वर्ट करना है, मीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 10⁻¹० से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, करके बताने की जरूरत तो नहीं है, मैंने पिछली बार लेजर वाले ऑप्टिकल वाले न्यूमेरिकल में भी कराया था, फाइबर वाले में बता देता हूँ। चलो 10⁻¹० से जब डिवाइड करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो गया 7000 × 10⁻¹० मीटर, ये मीटर में हो गया, और ये −10 है, ये 3 में इधर ले लूंगा, तो 7 × 10⁻¹⁷ मीटर भी मैं इसको लिख सकता हूँ लैम्डा की वैल्यू। तो ये वेवलेंथ हमारी आ गई यहाँ पर, और कुछ गिवन नहीं है इसमें। तो अब हमें क्या है इसमें जो फॉर्मूला हमारा यूज होता है, उसमें प्लैंक कॉन्स्टेंट हमारा यूज होता है, स्पीड ऑफ लाइट यूज होती है, तो उनकी वैल्यूज भी हम लिख लेते हैं, हमें पता होनी जरूरी है ये। क्या प्लैंक कॉन्स्टेंट की अगर मैं बात करूँ, प्लैंक कॉन्स्टेंट क्या होता है हमारा, एच, एच से डिनोट करते हैं, ये कितना होता है हमारा 6.625 × 10⁻³⁴ जूल पर सेकेंड, तो जूल सेकेंड ये होती है वैल्यू एच की, याद रखेंगे प्लैंक कॉन्स्टेंट, ये आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में हो सकता है न्यूमेरिकल में दे दे ना दे तो फिर पता होनी जरूरी है। तो क्या है 6.625 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट की अगर मैं बात करूँ, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट सी से डिनोट करते हैं, ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लेजर, यानी कि हमें ई जो है वो फाइंड करना है। तो अब ई फाइंड करना है तो सिंपल सा फॉर्मूला पता है, ई इक्वल टू एच न्यू हमें पता ही है। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नाउ लेजर की एनर्जी जो है वो क्या होती है, ई इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू हमें पता ही है बहुत पहले से। और न्यू क्या होती है, फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी को हम सी अपॉन लैम्डा भी लिख लेते हैं, ये हमने पहले से पता है। तो कितना हो गया, एच की जगह पर मैंने क्या, न्यू की जगह पर मैंने क्या लिखा, सी अपॉन लैम्डा ही लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहना है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द पल्स, बस सिंपल सा फॉर्मूला बन क्या है, ई इक्वल टू एच न्यू अपॉन हमारा क्या हो गया, लैम्डा। अब यहाँ पर इसने एक चीज़ और दी है, देखो क्रोमियम आयन्स दिए तो एन और यूज़ कर लीजिए, तो और मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ आयन्स जो दिए हुए तो एन और यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो एन एच न्यू, न्यू की जगह सी हो गया अपॉन लैम्डा। ये एन कहाँ से आया, नंबर ऑफ क्रोमियम आयन्स के लिए, जो हमारे आयन्स हैं उनके लिए एन आ गया, कितने नंबर ऑफ आयन्स हैं बस। तो वैल्यूज पुट करो एंड वैल्यू फाइंड कर लो, किसकी, ई e की, क्या है एन की वैल्यू कितनी, 2 × 10⁻¹, तो ये हो गया 2 × 10⁻¹ मल्टीप्लाई एच, एच प्लैंक कॉन्स्टेंट कितना होता है, 6.625 × 10⁻¹¾, तो 6.625 × 10⁻¹¹, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, सी, सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻¹⁸ मिलीसेकंड, मीटर पर सेकंड, सॉरी 3 × 10⁻¹⁸ हो गया, और अपॉन में क्या है लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू वेवलेंथ 7 × 10⁻¹⁷ मीटर, तो ये कितना हो गया 7 × 10⁻¹⁷ मीटर। भाई इसको सॉल्व कर लो, कैलसी से कैलकुलेशन कर लो, देन उसके बाद जो भी आंसर आएगा देखते हैं क्या आता है। 2.8 अगर मैं बात करूँ, 2.8 मल्टीप्लाई विथ 6.625 मल्टीप्लाई विथ 3, तो ये वैल्यूज तो आ गई हमारी 55.65, यानी ई की जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 55.65, और मल्टीप्लाई में ये 9 है, ये 34 माइनस के ये 8 है, तो 9 और 8 17 हो गया, तो 34 में से जब मैंने 17 माइनस करा तो कितना है 17 आया, तो 10⁻¹⁷ ऊपर बचा, अपॉन नीचे क्या है 7 × 10⁻¹⁷ है, ये माइनस 7 ऊपर जाएगी तो प्लस की 7 हो जाएगी, तो ऊपर कितनी बचेगी पावर, माइनस की 10 बचेगी, तो यानी कि ई की ई इक्वल टू, इसे डिवाइड कर लो 55.65 डिवाइडेड बाय 7, ये आ गया 7.95 × 10⁻¹⁰ ये आ गया यहाँ पर, ठीक है 7.95 यहाँ पर, और ये हमारा आ गया एनर्जी 10⁻¹⁰, और इसे जूल में लिख लो तो जूल में कितनी हो जाएगी, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 7.95, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको जूल, ये हमारी सारी मीटर में ही है ना, सारी यूनिट मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये यानी कि मीटर हो गई, ये हमारे आयंस दिए हुए हैं, ये जूल पर सेकेंड हो गई, और ये मीटर पर सेकेंड हो गई, तो मीटर से मीटर कट जाएगा यहाँ पर, सेकंड से यहाँ पर सेकंड कट हो जाएगा, तो ये जूल में तो यही आएगा, ये मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये आंसर हमारा क्या आ गया, जूल में आ गया। जूल में कैसे आई यूनिट पता है ना आपको, समझ में आ रहा है ना, जूल में कैसे आई है यूनिट, जूल में समझ रहे हैं ना। देखो यहाँ पर क्या है, एच, एच जो प्लैंक कॉन्स्टेंट होता है, इसकी जो यूनिट होती है जूल सेकंड होती है, तो मैं देखो इनकी यूनिट लिख के दिखाता हूँ, एन नंबर की तो हमारी कुछ नहीं है, कि क्या है एच की यहाँ पर बता देता हूँ, जूल और सेकंड हो गई, सी यानी कि मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया मीटर और अपॉन में हो गया, यहाँ पर ऐसे करके मैंने कर दिया सेकंड, और अपॉन में क्या है लैम्डा, लैम्डा की कितनी है मीटर है, तो ये मीटर हो गया, तो मीटर से मीटर कट हो गया, सेकंड से सेकंड कट हो गया, बचा कितना जूल। तो ये यूनिट आप इस तरीके से निकालना बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो जानना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो यूनिट याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से एग्जाम में लिख के आ सकते हो, और लिखनी जरूरी है एग्जाम में, यूनिट नहीं लिखोगे तो नंबर कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है दूसरा भी, जिस तरह के एग्जाम में, ऐसा नहीं है कि ये सिंपल सिंपल है, इस तरह के एग्जाम में आते हैं, वही मैंने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन, क्या है, लेजर एक्शन अकर बाय ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट एंड प्रोड्यूस लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दी है 6930 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर दी हुई है, करना क्या है फाइंड एनर्जी लेवल ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है उसने, जूल में हम कैलकुलेट करते हैं जैसे हमने पीछे किया था, उसे हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि हमें सीधा सीधा किससे करना है, ई से डिवाइड करना है, ई की वैल्यू कितनी होती है हमारे इलेक्ट्रॉन की, 1.6 × 10⁻¹⁹, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है कि क्या क्या हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पर देखें तो लैम्डा में गिवन है 6930, एंगस्ट्रॉम में है, इसे जब मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 10 की पावर 10 से डिवाइड, वो 10 की पावर 10 से डिवाइड करूंगा तो और ऊपर लेके जाऊंगा तो -10 हो जाएगी, और 6.93 मैं इसको लिख के और (10⁻⁷) मीटर में मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ। और बाकी इसमें नहीं गिवन है कुछ तो कोई बात नहीं, प्लैंक कांस्टेंट हमें पता ही है कितना होता है, 6.625 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड यहाँ पर हो गया हमारा प्लैंक कांस्टेंट। अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट की बात करूँ तो c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारे हो गई ये सी की वैल्यू। अब हमने ई की वैल्यू में पता होने चाहिए, या जो हमारा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि वो हमें पता होना चाहिए कितना होता है, e = 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम इसका चार्ज होता है इतना, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमें पता है। एनर्जी स्टेट जो हमें निकालनी है यानी कि E2 एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, तो E2 दो स्टेट होती है ना इस तरीके से, E1 होती है इसकी एनर्जी E2, तो इसकी पूछी है, ठीक है। तो E2 हमें कैलकुलेट करनी, तो हमें पता है क्या, हम जानते हैं कि E2 माइनस E1 यानी कि अपर वाले में से लोअर एनर्जी है, जब हम माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, E2 माइनस E1 एक्चुअल में कितना होता है, hν के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है, ये तो पता ही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ hν को, फिर से वही हम क्या लिख सकते हैं, hν को c/λ लिख सकते हैं। अब यहाँ पर n लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि n नंबर ऑफ हमारे क्रोमियम वगैरह दिए हुए नहीं है कुछ आयन इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया, अब इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ये हो गया हमारा। तो अब यहाँ से देखो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे तो मैं लिख लूंगा E2, क्यों, क्योंकि E1 हमने कितना मान लिया, अप्रोक्सीमेट 0, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी है वो 0 मान ली हमने बिल्कुल, ठीक है। और इक्वल टू क्या करा मैंने इसमें, साथ में एच तो मेरा है एज इट इज और सी भी है, और साथ में ई से डिवाइड कर दिया और लैम्डा यहाँ पर, ये ई से क्यों करा, ताकि मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल सकूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरी इसकी यूनिट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने लिख देता हूँ क्या, हमारा जो E1 की वैल्यू है वो मैंने 0 मान ली यहाँ पर, तो इसलिए E2 बचा, बस E2 हमें कैलकुलेट करना। तो इन सब की वैल्यू पुट करो यहाँ पर और सॉल्व कर दो, तो E2 जो हमारा है ये E2 = कितना हो गया, hc, h की वैल्यू कितनी हमारी 6.625, एक ही फॉर्मूले पर, इसी फॉर्मूले पर ज़्यादा बेस्ड है न्यूमेरिकल, यहाँ पर 6.625 × 10⁻³⁴ मल्टीप्लाई c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन नीचे e की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻¹⁹ और मल्टीप्लाई लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6.93 × 10⁻¹⁷। बस इसको सॉल्व कर लो, नीचे -7 और 19 कितना हो गया 26 हो गया, 26 ऊपर जाएगा तो 34 − 26 बचा कितना 8, और 8 में से 8 यानी कि पावर तो सारी कैंसिल आउट होगी, इसमें कोई पावर नहीं आने वाली है, कैंसिल आउट होगी सारी पावर, ठीक है। अब बचा कितना 6.625 मल्टीप्लाई विथ 3 या आया, इसको डिवाइड करना है पहले 1.6 से और फिर डिवाइड करना है 6.93 से, 1.79 ये आ रहा, E2 की वैल्यू जो आ रही है ये आ रही है 1.79 एक्चुअल में हमारी क्या आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रही है इस बार, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये हमारी किस में आई थी, जूल में आई थी, अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना होगा किससे, 1.6 × 10⁻¹⁹ से, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ठीक है। बस यही हमें कैलकुलेट करना था, यही हमारा आंसर हो गया, बस खत्म। इतना सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का ज्यादा पूछा गया है एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से जरा ध्यान से समझ लेंगे। है तो ऐसा ही जैसा हमने सेकंड न्यूमेरिकल किया उस पर बेस्ड है, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चीजें यहाँ पर पूछी गई हैं जो एग्जाम में पूछी भी जाती हैं, वो मैंने कंसिडर कर ली। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये कैलकुलेट द पॉपुलेशन रेशियो, ये पूछता है एग्जाम में n1/n2, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन रेशियो जो है हमें ये फाइंड करना है यहाँ पर, ये n1/n2 पर न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा इसको। स्टेट्स इन हीलियम नियॉन लेजर दैट प्रोड्यूस लाइट ऑफ वेवलेंथ दे रखी है एट कितने केल्विन पर, 300 केल्विन यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, अगर मैं सॉल्यूशन की यहाँ पर बात करूंगा तो सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, सीधा सा सॉल्यूशन के लिए यहाँ पर फिर से वही जो पहले गिवन है, क्या क्या वैल्यू जो गिवन है, वो गिवन वैल्यूज मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ, नोट करने के बाद इसके बाद मैं कैलसी से सॉल्व कर लूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या गिवन है देख लेते हैं, एक तो लैम्डा की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, कितना है 6000 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर, ये
और इसे मुझे काय में कन्वर्ट करना है। मीटर में तो 6 × 10⁻⁷ हो जाएगा, ऊपर ले जाऊंगा वही मैं करके बता चुका हूँ आपको कई बारी। तो ये हो गया यहाँ पर 6 × 10⁻⁷ मीटर। एच प्लैंक कांस्टेंट हमें पता ही है 6.625 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड हमारा यहाँ पर हो गया है। और हमें क्या पता है, सी की वैल्यू पता है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हमारी ये वैल्यू पता है। और हमें क्या पता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसका हमें पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम हमारा ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। और एक इसमें और के की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है हमारा 8.6 × 10⁻⁵ वैल्यू ये पता होनी चाहिए। और साथ में हमें टेम्परेचर गिवन है कितना है 300 केल्विन ये हमें गिवन है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और प्लैंक कांस्टेंट है ना, ये वैल्यू हमें पता होनी चाहिए तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। पूछा क्या है इसमें, N1/N2 जो है ये कैलकुलेट करवाया है। तो N1/N2 जो है मैंने बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ आपको बताया था डेरिवेशन में, उसका फॉर्मूला लिखा था, वही फॉर्मूला हमें यूज करना है। क्या था वो, N1/N2 इक्वल टू e^2 कितना था -hν/kT, ठीक है। वही हम N1/N2, अगर N2/N1 निकालना तो हम उसको रिवर्स कर देते हैं। तो बस ये ध्यान रखेंगे N2/N1, सॉरी N2/N1 होता है, मैं भी ये गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पर N2/N1 होगा, ये एक्चुअल में N2/N1, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, आप भी ध्यान रखिएगा। ये जो N2/N1 पूछ रहा है, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन का जो रेशियो N2/N1, N2 एक्साइटेड स्टेट में कितने एटम्स है और N1 लोअर स्टेट में कितने एटम्स है हमारे, ठीक है। तो ये एक्चुअल में कितना होता है, ये मैंने आपको उसमें बताया था, E की पावर कितना होता है -hν, यानी कि hν/kT। और ये hν जो आया हमारा, ये h किसकी वैल्यू है, hν हमारी e^2 − e^1 की है। तो पहले hν निकाल लो यहाँ से, hν कैसे निकला, e^2 − e^1। तो हम यहाँ से सीधा सीधा क्या लेंगे, e^2 − e^1 इक्वल टू कितना होता है, hν होता है यहाँ पर, ठीक है। तो h तो हमें पता है लेकिन न्यू नहीं पता, तो न्यू को हम क्या करेंगे, वही c/λ, यानी कि h c/, हमने लैम्डा यहाँ पर ले लिया यहाँ पर। और इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो e से और डिवाइड कर देंगे, बस ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो तो e^2 − e^1 की वैल्यू आ जाएगी, और यही एक्चुअल में क्या है, hν है। तो यानी कि फाइनली हमारी किसकी वैल्यू आ गई, hν की वैल्यू आ जाएगी। तो hν की वैल्यू कितनी आ गई, hc, यानी कि कितना है 6.625 × 10⁻³⁴, और मल्टीप्लाई सी की कितनी है 3 × 10⁸, अपॉन ई की कितनी है 1.6 × 10⁻¹⁹, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है 6 × 10⁻¹⁷। बस इसको कैलकुलेट कर लो कितनी पावर कितनी होगी, 19.7। ये तो पावर कैंसिल आउट होगी सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 6.625 मल्टीप्लाई विथ 3 और डिवाइडेड बाय 1.6 और फिर से डिवाइडेड बाय कितना 6। तो ये आ गया हमारा लगभग 2 पॉइंट, कितना आ रहा है यहाँ पर, ये 2.07 आ रहा है। तो hν की वैल्यू कितनी आ गई, 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारी ये आ गई है। किसकी वैल्यू आ गई, ये hν की वैल्यू हमारी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ चुकी है, ठीक है। अब हमें पता है N2/N1 जो होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन या पॉपुलेशन जो हमारा है ये रेशियो N2/N1, ये कितना होता है, E की पावर कितना, -hν/kT। तो E की पावर अगर हम देखें यहाँ पर, तो E की पावर माइनस, अगर N1/N2 करते हैं तो ये पावर प्लस हो जाती है, लेकिन N2/N1 है तो माइनस रहती है, तो माइनस तो हमारा एज इट इज रहेगा ही रहेगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे E2 या hν की वैल्यू, hν की वैल्यू एक्चुअल में कितनी हमारी, ये E2 की वैल्यू है एक्चुअल में, क्योंकि E1 की तो जीरो हो गई। तो ये hν की वैल्यू जो आई है ना हमारी, इसको हम पुट कर लेंगे यहाँ पर सीधा सीधा, तो ये कितना है 2.07 hν की वैल्यू अपॉन kT, kT की k कितना 8.6 × 10⁻⁵ और t की वैल्यू कितनी है 300। तो डिवाइड करो इसको 2.07, 2.07 को सबसे पहले मैंने डिवाइड करा 8.6 से, तो 8.6 से जब मैंने डिवाइड करा तो ये आंसर आया, फिर से डिवाइड करा इसको 300 से तो ये आया, यानी कि कितना आ रहा है 8.02 × 10⁻⁴। नीचे 5 है, 5 ऊपर जाएंगी है माइनस की तो ऊपर प्लस की हो जाएंगी, तो 80.23 हो जाएगा लगभग। तो यानी कि N2/N1 जो आ रहा है ये आ रहा है E की पावर -80.23। ये बस इतना ही छोड़ सकते हैं E की पावर में इसी तरीके से आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल हो जाएगा, या कैलकुलेट करना चाहें एक्सपोनेंशियल वैल्यू तो एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना इसको यहीं पर E की पावर में इस तरीके से छोड़ सकते हैं।
इसको अप्रोक्सीमेट ई टू द पावर माइनस 80 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये तीन न्यूमेरिकल थे जो आई थिंक आपको समझ में भी आए होंगे और ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेजर यहाँ पर कंप्लीट होता है, यूनिट 4 कंप्लीट हो गई, अब हम बात करेंगे यूनिट 5 की, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे यूनिट 5। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके थैंक यू।